नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है वैष्णवी पाठशाला में। तो हिंदी की क्लास में ये हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें फिर आपके सामने मैं कुछ शब्दों को लेकर के आया हूँ, और साथ ही आज मैं कुछ जो विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती हैं, ठीक, उनसे प्रश्न बनता है। जैसे कि जिजीविषा आपने सुना होगा, ज्ञान पिपासा सुना होगा, धनेच्छु सुना होगा, तितिक्षा सुना होगा। तो इस तरीके के वर्ड एग्जाम में मोस्टली आते हैं और ज़्यादातर प्रश्न गलत ही हो जाते हैं। तो उनका संग्रह भी मैं आज आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, आप नोट कर लेना उसको कॉपी पर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और इसमें देखते हैं हमें कौन कौन से नए नए शब्दों को पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से हमें नए नए शब्द देखने को मिलेंगे। ये सारे शब्द हमारे आए हुए हैं विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में। तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो शब्द आपके सामने दिख रहा है वो पहला दिख रहा है संदेश वाहक। ये देखो पंखे में उड़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, उड़ के कहाँ जाएगा। पहला वर्ड लिखा है संदेश वाहक। तो संदेश वाहक किसको कहते हैं? देखिए, संदेश वाहक का मतलब क्या होता है? संदेश ले जाने वाला। जैसे कि आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, या पुराने समय में लोग बताते हैं, हमने तो देखा नहीं है, कि कबूतर के द्वारा पत्र भेजे जाते थे। तो कबूतर जो है एक प्रकार से संदेश वाहक भी है। इसी प्रकार आज के समय में देखें तो विभिन्न प्रकार के जो मैसेंजर यूज होते हैं वो भी एक संदेश वाहक के तरीके ही कार्य करते हैं। तो संदेश ले जाने वाला जो होता है उसको कहते हैं संदेश वाहक। नेक्स्ट वर्ड है अथाह। अब ये अथाह शब्द क्या होता है? देखिए, अथाह का मतलब क्या होता है? जिसकी गहराई नापी ना जा सके, जिस चीज की गहराई ना नापी जा सके उसको हम अथाह कहते हैं। ओके, आगे बढ़े लिखा है अनश्वर। अब ये अनश्वर क्या है? अनश्वर का मतलब देखिए क्या होता है, नष्ट ना होने वाला, ऐसा जो कि नष्ट ना हो उसको हम कहते हैं अनश्वर, है, जिसको नष्ट ना किया जा सके, जिसको खत्म ना किया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं? अनश्वर। आगे वर्ड लिखा है सधवा। क्या वर्ड लिखा है? सधवा। ये भी नया शब्द है, सधवा। अब ये सधवा क्या होता है? सधवा का मतलब होता है जिस स्त्री का पति जीवित है उसको हम क्या कहते हैं? सधवा। जिस स्त्री का पति जीवित है उसको सधवा कहेंगे, और सधवा से ही वर्ड दूसरा बनता है, इसको भी ध्यान रखना, विधवा। विधवा के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, तो विधवा भी ध्यान रखना। सधवा और विधवा दो शब्द होते हैं। आगे क्या है? अपव्ययी। अब ये अपव्ययी क्या होता है? अपव्ययी, हमने आपको मितव्ययी बताया था, और साथ में अब बता रहा हूँ अपव्ययी। मितव्ययी के बारे में बताया था जो बहुत ही कम खर्चा करता है, तो अपव्ययी क्या हो गया? जो बहुत ही अधिक खर्चा करता है, ठीक है, यानी कि व्यर्थ में जो खर्चा करता है, पैसा अपना उड़ाता है, उसको हम अपव्ययी बोलते हैं, ठीक। आगे क्या लिखा है? परोक्ष। नेक्स्ट शब्द क्या है आपके सामने? परोक्ष। परोक्ष मतलब क्या होता है? जो आंखों से परे हो उसको क्या बोलते हैं? परोक्ष। नेक्स्ट, जिज्ञासु के बारे में आपको बता ही चुका हूँ मैं, जिसे जानने की इच्छा रहती है हमेशा, उसको जिज्ञासु कहते हैं। आगे लिखा है पार्थिव, यानी कि पृथ्वी में, पृथ्वी से संबंध हो, पृथ्वी से जुड़ा हुआ, पार्थिव, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पार्थिव। इसके बाद क्या है? भूतपूर्व। तो भूतपूर्व क्या होता है? भूतपूर्व देखिए क्या होता है, ऐसा कुछ भी जो कि पहले था, यानी कि पास्ट टाइम में वो था लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में वो नहीं है, उसको हम कहते हैं भूतपूर्व। जैसे कि आपने किसी पद का नाम सुना होगा, है, जैसे कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तो पहले ये प्रधानमंत्री थे लेकिन अब नहीं है, इसलिए इनके आगे क्या लगा है? भूतपूर्व लगा है। आगे बात समझ। इसके बाद है दुष्प्राप्य। क्या है? दुष्प्राप्य, ये भी अच्छा शब्द है, दुष्प्राप्य। ये शब्द आपका पूछा गया है UPPCS 2010 की जो मेंस परीक्षा थी उनमें ये सारे शब्द पूछे गए हैं। दुष्प्राप्य, ऐसा जो कि बहुत ही कठिनाई से प्राप्त हो, जो कठिनाई से हमें मिलता है उसको हम दुष्प्राप्य बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया। अनुत्तरित, अभी अनुत्तरित शब्द देखिए, जिसका उत्तर ना दिया गया हो, मतलब ऐसा कुछ जो कि जिसका उत्तर दिया ही ना गया हो उसको हम अनुत्तरित बोल देते हैं, ठीक है, अनुत्तरित कहते हैं। मान लो कि आप एक प्रश्न आप एक आपको एक पर्चा मिला सॉल्व करने के लिए,
कि इसमें से 10 प्रश्न दिए हैं, उन 10 प्रश्नों में आपको 10ों प्रश्न का उत्तर देना है। और उनमें से मान लो कि एक दो आपके छूट गए, तो वो जो छूटे हुए प्रश्न हैं उनको हम अनुत्तरित प्रश्न कहेंगे, क्योंकि उनका उत्तर हमने नहीं दिया है ना, ठीक ना। इसके बाद क्या है, स्वमतावलंबी। स्वमतावलंबी ये क्या है, स्वमतावलंबी। स्वमतावलंबी मतलब क्या होता है कि अपने मत को मानने वाला, ऐसा जो कि है जो अपने ही मत को माने वो कहा जाता है स्वमतावलंबी, ठीक है। आगे बात समझ में। इसके बाद क्या है, अकथित। ये तो सब पता होगा, अकथित। अकथित मतलब क्या होता है, जो कहा ना गया हो उसको क्या बोलते हैं, अकथित। जो कहा ना गया हो उसको क्या बोलते हैं, अकथित। इसके बाद परंपरा से हमने कुछ सुना है कि ऐसा कुछ होता है, उसको क्या बोलता है, बोलते हैं अनुश्रुति। मतलब पुराने समय से ही कोई बात जो है सुनी है और वो आगे तक आती चली जा रही है, उसको हम अनुश्रुति बोलते हैं। आगे क्या है, जो देखने के योग्य है उसको क्या बोलते हैं, दर्शनीय। जो देखने के योग्य है उसको क्या बोलते हैं, दर्शनीय। नेक्स्ट अनन्य क्या है, अनन्य में हमने आपको एग्जाम्पल दिया था हिमालय का, जो कि एकमात्र होता है ना, अन्य से संबंध ना रखने वाला, एक ही मात्र है वो, उसको अनन्य बोलते हैं। अब ये नेक्स्ट वर्ड क्या आया है, नेक्स्ट वर्ड आया है आशुकवि, है ना। आशुकवि क्या होता है, आशुकवि मतलब क्या होता है कि जो फटाक से कविता बोलते हैं, है ना, तुरंत ही मुख से उसके कविता निकल आए, तत्क्षण कविता कह सके, उसको हम आशुकवि बोलते हैं। जैसे कि आपने आशुलेखन देखा होगा, शॉर्ट हैंड इसको बोलते हैं आशुलेखन, तो तुरंत ही जो लिख दे, है ना, झट से लिख दे, उसको बोलते हैं आंसू लेखन। तो झट से ही जो कविता बोल दे उसको क्या बोलते हैं, आंसू कवि, है ना। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति अब ये क्या है, पुनरुक्ति कही हुई बात को बार बार कहे, मतलब पुनः उसकी उक्ति करना, पुनः उसकी उक्ति करना, पुनः उसकी उक्ति करना, पुनः उसको बोलना, पुनरुक्ति। बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या है, सुलभ। सुलभ अब ये क्या है, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, सुलभ। जो आसानी से ना प्राप्त किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, दुष्प्राप्य, ठीक है। इसके बाद क्या है, समशीतोष्ण, यानी कि समान रूप से ठंडा और गर्म रहे उसको क्या बोलते हैं, समशीतोष्ण। आगे बात समझे, आगे क्या लिखा है, उरग। अब ये उरग शब्द क्या है, देखिए जो छाती के बल, जैसे कि आपने देखा होगा चलते हैं, मोस्टली होता क्या है, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर एक जो नव दुर्गा होती हैं उसमें देखा होगा कि आदमी जो होते हैं पूजा के लिए दंडवत करते हैं, जो भक्त होते हैं वो दंडवत करते हैं, तो छाती के बल जहाँ तक मंदिर होता है वहाँ तक जाते हैं, तो उस चीज़ को उरग बोलते हैं, यानी कि छाती के बल चलना उरग कहलाया जाता है, ठीक है। दुर्भिक्ष, अब ये दुर्भिक्ष क्या है, दुर्भिक्ष मतलब क्या होता है कि देखो, अच्छा इसी से हम निकालते हैं शब्द दुर्भिक्ष। दुर् मतलब क्या हो गया, मुश्किल से, भिक्ष मतलब क्या हो गया, भिक्षा, यानी कि ऐसे भिक्षा जो बहुत ही मुश्किल से मिले, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको बोलते हैं दुर्भिक्ष। इसके बाद क्या है, धरोहर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, धरोहर। धरोहर के बारे में तो पता ही होगा, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या होती है, धरोहर। मान लो कि आपके घर में किसी पड़ोसी ने कुछ सामान रख दिया, तो वो चीज़ क्या है, वो धरोहर है, किसी दूसरे की चीज़ है जो कि आपके घर में रखी है, उसको क्या बोला जाएगा, धरोहर। जिस पर विश्वास किया गया हो उसको क्या बोलते हैं, विश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया गया हो उसको क्या बोलते हैं, विश्वसनीय। आगे क्या है, जो दायर किए गए मुकदमे का बचाव करता है उसको प्रतिवादी बोलते हैं, ये तो बताया ही था हमने कल की क्लास में। इसके बाद क्या है, अश्रुत पूर्व। अब ये अश्रुत पूर्व क्या है, अश्रुत पूर्व समझिए, ऐसे समझिए, अश्रुत पूर्व मतलब क्या है, जो कि कभी सुना ना गया हो, इसको हम अनसुना भी बोल सकते हैं, जो पहले कभी नहीं सुना गया है उसको क्या बोल सकते हैं हम, अनसुना या अश्रुत पूर्व। यहाँ पर अनसुना भी लिख लेते हैं, अनसुना या अश्रुत पूर्व। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट लिखा है, जो स्मरण करने योग्य है उसको क्या बोलते हैं, स्मरणीय, ठीक, ये तो याद रहेगा। इसके बाद देखिए अतींद्रिय, यहाँ पर दो शब्द आते हैं, एक अतींद्रिय आता है और एक इंद्रियातीत आता है, दोनों ही हैं जो कि इंद्रियों के ज्ञान से परे हों, ठीक है, अतींद्रिय बोला जाता है उसको या इंद्रियातीत।
इसके बाद जो मुश्किल से प्राप्त हो, अभी हमने बताया दुष्प्राप्य, जो मुश्किल से प्राप्त हो वो दुष्प्राप्य, जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसको सुलभ। आगे क्या है, दुर्ग बाहु, बाहु माने क्या हो गया, भुजा, ठीक है। दुर्ग मतलब क्या हो गया, लंबा बड़ा, यानी कि जिसकी जो भुजा है या बाहें हैं अधिक लंबी हो उसको क्या बोलते हैं, दुर्ग बाहु, ठीक है, दुर्ग बाहु या दीर्घ बाहु भी बोल सकते हैं, प्रलंब बाहु भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से वर्ड पूछा जा सकता है, मतलब इसका एक ही है। इसके बाद अंतेवासी, हमने आपको बताया था पहली वाली क्लास में अगर याद हो, बताया था कि जो गुरु के समीप जो विद्यार्थी रहता है उसको अंतेवासी बोलते हैं। आक्रांत, आक्रांत के बारे में बताया था, आक्रांत के बारे में बताया था जिस पर आक्रमण हुआ हो, ठीक है, उसको आक्रांत बोलते हैं, जिस पर आक्रमण हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, आक्रांत। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, ये देखिए एक इच्छा वाला वर्ड आ गया, युजुत्सु, ठीक है। तो इच्छा वाले शब्द आज हम कराएंगे, ठीक, पूरी क्लास देखना। इसमें इच्छाएं जो होती हैं, विभिन्न प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं उनको भी मैं अलग से लिखा हूँ, अलग से उनको मैंने आपको सामने प्रस्तुत करने की योजना बनाई है। तो जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसको क्या बोलते हैं, युजुत्सु। इसके बाद उत्तराधिकार से जो हमको प्राप्ति संपत्ति होती है, यानी उत्तराधिकार से प्राप्त जो संपत्ति होती है उसको रिक्त कहते हैं, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या बोलते हैं, रिक्त। जिसकी माप तौल हो सके उसको क्या बोलते हैं, परिमेय। जिसकी माप तौल हो सके उसको क्या बोलते हैं, परिमेय, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, पाथेय, पाथेय देखिए क्या होता है, पाथेय, पाथेय समझो, मान लो कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो उस समय आप क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री अपने साथ ले जाते हैं, लैया है, चना है या नमकीन है, तो वो जो चीज़ें हैं जो कि यात्रा के समय आप उनका सेवन करेंगे, आप अपनी जो भूख है वो मिटाएंगे, उसको पाथे बोला जाएगा, ठीक। आगे बात समझ, तो खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय हम रास्ते में उपयोग करते हैं उसको पाथे बोलते हैं, ध्यान रखना पूछा गया है। इसके बाद वर्ड लिखा है निशीत, अब ये निशीत क्या होता है, आधी रात का जो समय होता है उसको हम निशीत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधी रात का समय जो होता है ये निशीत कहा जाता है। ये 2010 के मेंस में आरो यारो में आया है, ठीक है, निशीत। इसके बाद अकिंचन, अकिंचन शब्द देखते हैं, जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको अकिंचन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो। इसके बाद वर्ड है अनाहूत, जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत बता चुके हैं। मुमुक्षु, देखिए ये भी एक इच्छा वाला शब्द आया, तो एक इच्छा वाला शब्द आपने युजुत्सु देखा था, दूसरा आया मुमुक्षु। अब ये क्या होता है मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जो कि मोक्ष की इच्छा रखता है उसको मुमुक्षु बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए वर्ड, बहुत ही अच्छा वर्ड आया है नेपथ्य। नेपथ्य क्या होता है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान जो होता है उसको नेपथ्य कहते हैं, है? मान लो किसी जगह प्रोग्राम हो रहा है, ठीक, कोई भी एक फंक्शन चल रहा है और उस फंक्शन में क्या है, पर्दा पड़ गया, अब पर्दे के पीछे का जो भी स्थान होगा उसको नेपथ्य कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, हवन में जो लकड़ी जलाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, समिधा। हवन में जलाने वाली जो लकड़ी होती है उसको बोलते हैं समिधा। इसके बाद क्या है, दिगंबर, दिशाएं ही जिसका क्या होती हैं, वस्त्र होती हैं, दिगंबर, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उनको क्या बोलते हैं, दिगंबर। मतलब ये क्या है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चारों तरफ भ्रमण जो करते रहते हैं, दिशाएं ही इनका वस्त्र होती हैं, उनको दिगंबर कहा जाता है। आगे वर्ड लिखा है कानीन, क्या वर्ड लिखा है, कानीन, इसका मतलब समझो कानीन, देखो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से होता है उसको बोलते हैं कानीन, ठीक है। तो कन्या के गर्भ से जन्म लेने वाला कानीन कहलाता है। जठराग्नि, ये भी बहुत पूछा जाता है, पेट की जो अग्नि होती है उसको क्या बोलते हैं, जठराग्नि, जठराग्नि। असूर्य पश्या, इसको समझे, इसको समझिए, असूर्य पश्या मतलब ऐसी कोई स्त्री जो सूर्य भी न देख सके उसको क्या बोलते हैं, असूर्य पश्या। मान लो कि कोई राजा है, आपको ये वर्ड दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, आई थिंक आपको ये वर्ड दिख नहीं रहे हैं,
और हम फालतू में ही बकबक करते चले जा रहे हैं, है ना। तो देखिए, पहला दिगंबर हमने देखा था, दिगंबर के बारे में बताया था, दिशाएं ही जिसका वस्त्र होती हैं। इसके बाद कानिन बताया था, कानिन के बारे में हमने बताया था, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसको कानिन कहते हैं। इसके बाद पेट की अग्नि हमने बताई थी, जठराग्नि। अब ये असुर पस्याम बता रहे हैं। असुर पस्याम मतलब क्या होता है? असुर पस्याम मतलब होता है कि ऐसी कोई स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके, मतलब हमेशा बंद महल में ही रहे, सूर्य की किरण भी ना देख पाए, उसको असुर पस्या देख कहते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद क्या है? युधिष्ठिर। क्या है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर मतलब क्या होता है? जो युद्ध में स्थिर रहे उसको क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। आगे के वर्ड देखते हैं, शाश्वत। ठीक, ये देखिए, ये वर्ड पूछा जाता है बहुत, शाश्वत। अब ये शाश्वत क्या होता है? जो हमेशा रहे, ठीक है, जो हमेशा रहने वाला है उसको हम शाश्वत कहते हैं। कभी भी उसका अंत नहीं होता है, वो शाश्वत कहलाता है। इसके बाद लिखा विपत्नीक। विपत्नीक क्या है? जिस पुरुष की पत्नी साथ में ना रहे उसको क्या कहते हैं? विपत्नीक, यानी कि पत्नी से अलग, विपत्नीक। ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी साथ में नहीं रहती है उसको कहते हैं विपत्नीक। इसके बाद क्या है? अपथ। अपथ देखिए, अपथ मतलब क्या हो गया? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको अपथ बोलते हैं। इसके बाद देखिए तितीर्षा। तितीर्षा वर्ड आया। अब ये तितीर्षा क्या है? तैरने की जो इच्छा होती है उसको हम तितीर्षा कहते हैं। अच्छा, हौदा जानते हैं आप? हौदा क्या होता है? हौदा, कभी आपने हाथी देखा हो तो हाथी के ऊपर जो होता है बहुत सारा सामान रखा होता है, ठीक, उसी के ऊपर जो चालक होता है हाथी का वो भी चला रहा होता है। तो हाथी के ऊपर जो भी सामान रखने की जगह होती है, एक मतलब जगह रखी रखने के लिए बनाई जाती है, उसको हम हौदा बोलते हैं, ठीक है। तो हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला जो होता है उसको हम हौदा बोलते हैं। इसके बाद लिखा अप्रमेय। अभी अप्रमेय क्या है? अप्रमेय क्या है? जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसको बोलते हैं अप्रमेय, ठीक है। जिसे प्रमाण द्वारा जो है वो साबित ना किया जा सके, सिद्ध ना किया जा सके, उसको हम अप्रमेय बोलते हैं, ठीक। चलिए, अब विभिन्न प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं उनको हम पढ़ लेते हैं, उनको हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती हैं और ये बहुत कन्फ्यूजन पैदा करती हैं, जो विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती हैं। तो विभिन्न प्रकार की इच्छाओं का भी हम अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इच्छाएँ हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इनको भी। ये देखिए, आपके सामने विभिन्न प्रकार की इच्छाएं जो हैं वो सामने रखी हुई हैं, जैसे कि अभिप्सा, ईर्ष्णा, चिकित्सा, जिज्ञासा, जिगीसा, जिगीसु, जिघांसा, जिघत्सा, जिघ्रच्छा, जिजीविसा, ज्ञान पिपासा, तितीर्षा, धनेक्षु, लिखी हुई बहुत सारी इच्छाएं। तो आप क्या करना, इसको नोट डाउन कर लेना और मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख लेना। तो मेरे बोले हुए शब्दों को आप लिखना और ये जो शब्द लिखा है इसको आप उसके आगे लिखना, ठीक, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है और बहुत ही प्रश्न बनते हैं। चलिए फिर यहाँ पर हम बता देते हैं आपको। सबसे पहला जो हमारे सामने वर्ड है वो लिखा है अभिप्सा। अब ये अभिप्सा क्या होता है? देखो, किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा होती है ना उसको हम अभिप्सा कहते हैं। सपोज करो कि किसी के पास तुमने देखी एक बाइक आ गई, तो उस बाइक को या उस स्कूटी को या उस साइकिल को या उस कार को, जो भी चीज़ है, एक प्राप्त करने की इच्छा आ जाती है कि अब हम इतनी मेहनत करेंगे कि वो हमारी जो बाइक है वो हमारी हो जाए, मतलब हम भी उसकी तरीके प्राप्त कर लें, तो उसको बोला जाता है अभिप्सा, ठीक। इसके बाद क्या है? ऐषणा। ऐषणा शब्द समझिए, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है ऐषणा होती है। अब देखिए, अभिप्सा में सारी प्रकार की इच्छाएं आती हैं, ठीक, वो किसी भी प्रकार की इच्छा हो सकती है, लेकिन ऐषणा जो होती है वो केवल सांसारिक प्रकार की ही इच्छाएं होती है, ठीक, भौतिक इच्छाएं। आगे क्या है? चिकित्सा। चिकित्सा मतलब क्या होता है? कार्य करने की जो इच्छा होती है उसको हम बोलते हैं चिकित्सा। कार्य करने की इच्छा क्या होती है? चिकित्सा। इसके बाद क्या वर्ड लिखा है? जिज्ञासा। इस वर्ड को भी समझिए, जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या होती है? जानने की इच्छा। जानने की इच्छा क्या होती है? जिज्ञासा। इसके बाद जिगीसा, जीतने या दमन करने की इच्छा क्या होती है? जिगीसा। किसी को जीतने या दमन करने की इच्छा क्या होती है? जिगीसा। आगे क्या लिखा है? जिगीसु।
वर्ड क्या लिखा है, जिगीसु। अब ये जिगीसु क्या होता है, किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिगीसु कहलाता है। किसी को मारने की इच्छा जिघांसा, किसी को मारने की इच्छा क्या होती है, जिघांसा। आगे वर्ड लिखा है जिघत्सा है। अब ये जिघत्सा क्या होती है, जिघत्सा देखिए, भोजन करने की जो इच्छा होती है उसको क्या बोलते हैं, जिघत्सा। भोजन करने की इच्छा जो होती है उसको क्या बोलते हैं, जिघत्सा। आगे लिखा जिघ्रक्षा, जी घ्रक्षा। अब ये जिघ्रक्षा क्या होता है, ग्रहण करने की इच्छा, या फिर बोल सकते हैं आप किसी को पकड़ने की इच्छा, ठीक है, जिघ्रक्षा। आगे क्या लिखा है, जिंदा रहने की इच्छा, जिजीविषा। जल्दी ही खत्म करूंगा। जिंदा रहने की इच्छा क्या होती है, जिजीविषा। आगे क्या लिखा है, ज्ञान पिपासा, ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा, ज्ञान पिपासा। आगे क्या लिखा है, तितीर्षा, तैर कर पार करने की इच्छा। किसी चीज, कोई नदी है, तालाब है, उसको तैर करने की इच्छा है, तैर कर पार करने की इच्छा है, उसको तितीर्षा बोला जाएगा। इसके बाद धनेक्षु, धनेक्षु ठीक है, जो कि सबकी इच्छा होती है, धन की इच्छा रखने वाला, धनेक्षु। इसके बाद क्या है, पीने की इच्छा रखने वाला, पिपासु। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु, पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु। इसके बाद क्या है, फलेक्षु, फल की इच्छा रखने वाला, फलेक्षु ठीक है। एग्जाम दे दिया और अब एग्जाम के रिजल्ट का वेट हो रहा है, यानी कि फल की चिंता हो रही है, यानी फल की इच्छा रख रहा है, तो उसको फलेक्षु बोला जाएगा। बुभुक्षु, खाने का इच्छुक, बहुत भाई खाने का इच्छुक है, उसको बुभुक्षु बोला जाएगा, खाने का इच्छुक। आगे क्या लिखा है, बुभुक्षित, बुभुक्षित, जो अत्यधिक भूखा हो बेचारा, उसको क्या बोला जाएगा, बुभुक्षित। बुभुक्षित है तो उसको इच्छा काय की है, बुभुक्षु की है। आगे क्या है, मुमुक्षु, मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। आगे क्या है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला बता दिया, मुमुक्षु। आगे क्या है, मुमूर्सा। आगे क्या वर्ड लिखा है, मुमूर्सा, यानी कि मरने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, मुमूर्सा, मरने की इच्छा रखने वाला, मरने की इच्छा, मुमूर्सा। आगे क्या है, मुमूर्सु, मुमूर्सु क्या है, ऐसा मतलब इच्छा जो कि मतलब मरणासन्न अवस्था वाला हो, ठीक है, मरने का इच्छुक हो, यानी कि इस प्रकार से है कि वो एकदम मरने की स्थिति में है और मरने की स्थिति में चाह रहा है कि मुझको मृत्यु आ जाए, उसको मुमुक्षु बोलते हैं, मुमूर्सु बोलते हैं। युयुत्सु, युयुत्सु, युयुत्सु क्या होता है, युयुत्सु, युयुत्सु मतलब क्या होता है, युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध के लिए बहुत लालायित हो रहा है, उसको युयुत्सु बोला जाएगा। इसके बाद क्या लिखा, युयुत्सा, युयुत्सा, युयुत्सा क्या आ गया, युद्ध करने की इच्छा, ठीक है। देखो, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु है, लेकिन युद्ध करने की इच्छा हो रही है उसको, तो युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा कहा जाएगा। इसके बाद क्या लिखा है, शुभेच्छु, शुभेच्छु, शुभ चाहने वाला, ठीक है, शुभ चाहने वाला, शुभेच्छु। हितैषी, हितैषी क्या, हित चाहने वाला, हितैषी। तो देख लिया आपने विभिन्न प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं। तो ये हमारी तीसरी क्लास हो गई। अब तीसरी क्लास के बाद चौथी क्लास आएगी। चौथी क्लास में भी हम बहुत सारे वर्डों का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। इनको आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपको जल्दी ये मिलेंगे नहीं, बहुत ही ढूंढने पर हमको मिले हैं, तो इसको नोट डाउन कर लेना। और बाकी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट डे मिलते हैं, ठीक। आपका काम जो है वो शेयर करना है, तो अपने जितने भी व्हाट्सएप या फेसबुक पर स्टडी से संबंधित ग्रुप हैं, उनमें शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।